ई टेबल से ओ टेबल ए टेबल से इतना और इतने कागजात मंगाते हैं कि वो कागजात जमा करने करने में उसका सब टाइम बर्बाद हो जाता है। दूसरी बात यहाँ की एमएसएमई के ऐसे है हमारे महाराष्ट्र में कि समझो एक ओझर गांव में समझो 10 लोगों ने समझो चोरी की है तो बिजली चोरी की है तो उसका जो दंड है जिसका जो पेनल्टी है वो सब लोगों के ऊपर लगा देते हो टैक्स के ऊपर। लोगों ने 10 लोगों ने चोरी करी लेकिन 20 लोगों ने उसका पैसा उसका ये लोगों ने भरने का ये और ये पेनल्टी यहाँ एक गलत बात है। और दूसरी बात है कि अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते कि भाई इतना इतना यूनिट का इतना पैसा लगाते हैं कि वह इतना बढ़ गया है। वो क्या कर रहे हैं अभी 7 रुपए 20 पैसे लगाए ना तो दूसरे महीने बाद 7 रुपए 25 पैसे लगाएंगे 7 रुपए 30 पैसे लगाएंगे। धीरे धीरे कोई इन्विटेशन या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते और लोगों का खाना पीना छोड़ के जितना पैसा लगता है खाने पीने में उससे ज्यादा बिल इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। ये हमारे यहाँ दो बड़े प्रॉब्लम है।